हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसल। आज हम बनाने वाले हैं एक का बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है एग लबाबदार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे करीब 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें है जीरा, दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता। अभी हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट कर लिया है। अभी हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच क्रश किए हुए लहसुन। अभी हमें इन्हें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये इसे ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर और 5 से 10 काजू का पेस्ट। काजू और टमाटर की वजह से ग्रेवी को अच्छा खासा थिकनेस मिल जाएगा। 2 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। हमें इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। अब इसे अच्छे से भून लेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे उबलने देंगे। जब इसमें उबाल आने लगे तब हमें ऐसे ही अंडे को एक एक करके डालना है। सभी अंडे डालने में टाइम लगेंगे तो अच्छा होगा कि आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। इस रेसिपी में अंडे ऐसे ही डाले जाते हैं, अलग से अंडे को बॉयल करके छीलने का कोई झंझट नहीं रहता, इसलिए मुझे ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आई। मतलब टेस्ट में अच्छा तो है ही और झंझट भी कम। ऊपर से थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर और नमक छिड़क देंगे और ऐसे ही 2 हरी मिर्च को काट कर चारों तरफ ऐसे रख देंगे। गैस को भी हमने ऑन कर लिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम में 5 से 10 मिनट तक पकाने के बाद इसका कवर हम हटा देंगे और ये हमारा एग लबाबदार बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, या फिर जैसे पाव भाजी खाते हैं ब्रेड के साथ, आप वैसे भी इसे खा सकते हैं। जब घर में मेहमान आए तो आप फटाफट से ये वाली रेसिपी बनाकर उनके सामने सर्व करेंगे तो सब हैरान परेशान रह जाएंगे। बनाने में भी कम झंझट और खाने में अच्छा तो है ही। इस रेसिपी को ट्राई करके अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।